माय न्यू ब्लॉग। तो सो अभी मेरे पास में एक बड़ा बॉक्स आया है जो कि सौरभ दादा ने भेजा है। आपको पता ही होगा वो यूट्यूब किंग है, तो उन्होंने मुझे भेजा है ये बॉक्स और उनका इधर नाम भी लिखा है सौरभ जोशी से। और उन्होंने मुझे लास्ट वीक प्रॉमिस किया था ना कि वो मुझे कुछ गिफ्ट भेजेंगे, तो आज उन्होंने मुझे एक बड़ा बॉक्स भेजा। तो आप इधर देख ही सकते हो, इधर सब है, ये बजाज से आया है और इधर कुछ इन्फॉर्मेशन से बुक में आपको दिखा देता हूँ पहले इसके। ये देख सकते हो गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस बॉक्स के जो अंदर है ना उसके इन्फॉर्मेशन है। और इधर आपको इतना बड़ा ये जो है ना चित्र वो भी आपको दिखने को मिल गया होगा। और ये उसके सब ये मतलब यूज है, देख सकते हो ये 360L वाटर टैंक है और ये सारे मतलब ये सारे फ्यूचर्स है इसमें। आपको वॉशिंग मशीन वगैरह आप खरीदते होगे तो आपको इसमें से मतलब यूजेस इसके बॉक्स पे आते ही होंगे ना, वैसे इस पे भी है। तो अभी हमको इसको सिर्फ अनबॉक्स करना है। तो और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सौरभ दादा को, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बड़ा बॉक्स भेजा, उसमें अंदर काफी हेवी चीजें। तो देख सकते हो गाइस कितना बड़ा बॉक्स है कुछ, ये देख सकते हो। मैं आपको फोर मतलब इसकी चार ही साइड दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। इधर ये कूलर है गाइस, कूलर है। और ये देख सकते हो, आप में से बहुत लोगों का लग रहा होगा ये फ्रिज है, बट और फ्रिज है कि नहीं तो वॉशिंग मशीन है, बट ये कूलर है। आपको इधर इसकी इन्फॉर्मेशन ही देख के समझ में आ रहा होगा गाइस। और ये तो आपने देख ही लिया, और ये सारे फ्यूचर्स है। तो अभी मैं आपको ऊपर के फ्यूचर दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। दो मिनट रुको गाइस, ये देखो इधर ये प्लेटिनी का है और ये बजाज से आया है, प्लेटिनी बजाज। और ये इधर लगा भी है, प्लीज डोंट नॉट स्टीप, मतलब इसके ऊपर पैर कभी भी मत रखो। डोंट वर्ड ड्रॉप हैंड हैंडल विथ कार, ये देख सकते हो आप, प्लेटिनी का है। तो अभी हमको इस सीजर से इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं गाइस। ये देख सकते हो गाइस, इधर इतना बड़ा बॉक्स है, तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं। इसको ऐसे निकालना पड़ेगा गाइस, इधर से इसको ऐसे अनबॉक्स करना पड़ेगा। इसको काफी ज्यादा बड़ा बॉक्स है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं कर लूंगा। ये देख सकते हो गाइस, ये एक साइड ओपन कर ली मैंने, अभी सेकंड साइड ओपन करते हैं। टेप से लगा हुआ है ना, इस साइड ओपन करते हैं, ये भी साइड होगी। अभी ये वाली ओपन करनी है, इसको सबसे पहले हमें से सीजर से काटना पड़ेगा। आप देख सकते ऐसा करना है, ऐसे लिखना है और इसको ऐसे कट करना है गाइस। तो ये हो गया कट, और इस साइड से भी करना है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखो इधर से ऐसे कट करना है, और छोटे बच्चों को बिल्कुल भी अनबॉक्स करने ना दे, वो भी सीजर से या फिर चाकू से, क्योंकि उनके हाथ में लग सकते हैं ना गाइस, इसलिए उनको कभी भी मत दो। मतलब 8 साल के जो बड़े हैं ना उनको मत दो, छोटे 8 साल से, इसलिए उनको बिल्कुल मत दो। और मैं तो अनबॉक्स करना बाकी है, अगर चालू वाला मत हमना। तो गाइस आपने देखा होगा, तो हमने इस बड़े बॉक्स से इसको निकाल लिया है। ये देख सकते हो, ये इतना बड़ा बॉक्स है, उससे हमने निकाल लिया है। तो इसको फिलहाल हम बाजू में रखते हैं। और ये देख सकते हो गाइस, ये हमारा ये कूलर है, तो इस पे 36 लीटर वाटर मतलब पानी डालना पड़ता है, तभी आपको अच्छी अच्छी ठंडी मतलब ठंडी आएगी। तो आप देख सकते हो ये कूलर है, और इसके ऊपर भी कुछ तो मतलब ये है कुछ साइन वगैरह का,
तो उसको मैं इसको प्लास्टिक को हटा लेने के बाद दिखाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हो उधर ये स्विचेस है और इसको स्पीड इसकी कम ज्यादा करने तो वो है स्विम पंप, और ये फैन का है, मतलब इस पे आपको जितना मतलब फास्ट करना और स्लो करना है। मैंने गलती से गलत बताई दी, इसको फैन है मतलब वो स्पीड कम करने और ज्यादा करने, और इसका यूज मुझे पता नहीं है चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बाद में आपसे पूछ के बता दूंगा, ठीक है। तो और हम आज काफी ज्यादा खुशी की बात है, सौरभ दादा ने मुझे ये भेजा है। तो आज फर्स्ट डे हम तीनों का एक्सपीरियंस है इसकी हवा खाने का, तो काफी मजा आने वाला है और एक्साइटमेंट होने वाला है गाइस। तो मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, और हम अभी जिधर ये बॉक्स रखा है उधर इसको रखने वाले हैं गाइस। तो अभी मैं सबसे पहले ये प्लास्टिक भी निकाल लेता हूँ, और प्लास्टिक अनबॉक्स करने के बाद आपको आगे का मतलब दिखा दूंगा। पहले मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ इसको भी गाइस। ये ज्यादा बड़ा कूलर है इसलिए ये काफी और बड़ा भी बॉक्स है ना, इसलिए इसको जरा ज्यादा टाइम लगे। तो गाइस हमें इससे एक प्लास्टिक से हमें ये वारंटी कार्ड मिल रहा है, इसकी 1 ईयर की वारंटी है। अगर इसमें 1 ईयर में कुछ खराबी आ जाती है तो हमें रिप्लेस करके मिलेगा। और इधर इसकी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मतलब किसी को भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है, तो आप ये पढ़ के कर सकते हो, ये देख सकते हो। इसके पीछे भी है गाइस, ये देख सकते हो, और ये भी। तो और ठीक है, तो थैंक यू फॉर सौरभ जी दादा, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, तो उनका मैं काफी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो और हमारी सारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, हमने बॉक्स से भी निकाला, उसके बाद प्लास्टिक भी उसका निकाला। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा है ये कूलर। तो इसके इधर पीछे 2 स्विच है जिसका मैं यूज अभी तक नहीं बता, और दो स्विच मतलब 3 साइड स्विच, और ये साइड पे आपको ये हवा का मतलब इधर से हवा आएगी, और हम नीचे ऊपर भी कर सकते हैं इसको, ठीक। तो अभी और हमें ना आज रात को 36 लीटर वाटर डालना है, तो उसके बाद हमें गहरी नींद आएगी, क्योंकि गाइस आप 36 लीटर मतलब थोड़ा सा कम ज्यादा डालोगे, मतलब कम डालोगे तो आपको कैसा फिर गहरी नींद आएगी, क्योंकि ठंडा मतलब पानी एकदम जितना इसको लगता है उतने ही डालना, क्योंकि अगर आपने कम ज्यादा किया तो आपको ठंडी हवा भी नहीं आएगी, नहीं तो इसमें कुछ खराबी भी हो जाएगी। तो ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो और आप देख ही सकते हो इतना बड़ा है। तो और हमें और मैं ना आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे इतना बड़ा कूलर मिल रहा है, जो कि इस बॉक्स की मतलब इधर जो ये बॉक्स की पोजीशन है ना, उधर ही इसको हम रखने वाले हैं गाइस। तो आप देख सकते हो, और मैं अभी क्या करूंगा, नहीं अभी मैं थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो और कमेंट काफी ज्यादा करो, क्योंकि आप कमेंट नहीं कर रहे हो ना तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और मैं देखो मैं आपको आपके लिए एक और एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक में, नहीं तो मैं कल ही बनाऊंगा, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी डाल दूंगा। तो और आप सारे ये इसके चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।